आपके एक और मंत्री पर गाज गिरी है। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पर हवाला कारोबार करने का आरोप लगा है। आयकर विभाग ने सत्येंद्र जैन को समन भेजकर 4 अक्टूबर तक पेश होने का आदेश दिया है। आईटी की धारा 131 के तहत विभाग ने सत्येंद्र जैन को समन भेजा है। इस मामले पर सफाई देते हुए सत्येंद्र जैन ने कहा है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है, वह आयकर विभाग में जाकर जवाब देंगे। साथ ही यह भी कहा है कि 2012 से पहले उन्होंने कई कंपनियों में निवेश किया था, जिसके बाद से उनका उन कंपनियों से कोई लेना देना नहीं है। यह एक जांच नहीं बल्कि सिर्फ पूछताछ है। इतना ही नहीं, मंत्री ने यह भी कहा है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल अगले दो दिनों के दौरान विधानसभा में कई मामलों को लेकर बड़ा खुलासा करने वाले हैं। वही सत्येंद्र जैन का बचाव करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है कि सत्येंद्र को फंसाने की कोशिश की जा रही है, वह पूरी तरह से बेकसूर हैं। अगर कसूरवार होते तो उनको पार्टी से अब तक निकाल दिया गया होता। आप विधायक और मंत्रियों पर गलत और झूठे केस किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि आयकर विभाग ने कहा है कि सत्येंद्र जैन की पिछले 4 से 5 साल की आयकर रिटर्न से हवाला कारोबार करने का मामला सामने आया है। सत्येंद्र जैन की 4 कंपनियों पर आयकर विभाग की नजर है। वहीं खबरों की माने तो मंत्री पर हवाला के 17 करोड़ रुपए का लेन देन करने का आरोप है। स्वास्थ्य मंत्री ने हवाला कारोबार पर खुद को बेकसूर बताया है, लेकिन आए दिन आपके किसी न किसी मंत्री पर लगे आरोप आप सरकार की मुसीबतों को बढ़ा रहा है। देखते रहिए टीवी लाइव।